नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट आई में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम निकले हैं सच की खोज में, एक ऐसा सच जो शायद आज तक आप तक नहीं पहुंचा। मीडिया ने पिछले एक साल में जो डेरा सच्चा सौदा और बाबा जी के बारे में बताया, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, उसी सच्चाई की खोज में निकले हैं हम डायरेक्ट लोगों के बीच, उनसे जानते हैं उनके विचार। सर, आपका नाम? मूलचंद जी। अब डेरा सच्चा सौदा से कितने वर्षों से जुड़े हुए? डेरा सच्चा सौदा जी कम से कम हो गए 15-16 साल 20 साल हो गए। क्या आप अपने इतने समय में कभी डेरा में गलत होते कुछ देखा? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा। हम तो यहाँ कभी आते थे तो अपना सत्संग सुनते थे, लंगर पानी खाते थे, और अपना जो सेवा के कार्य चलते हैं डेरे में, सेवा कभी कभी जो मन करता था सेवा कर लेते थे, लेकिन कोई जोर जुलम नहीं, सेवा करो, कहीं बैठो, कोई किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी जी। मीडिया ने जो दिखाया डेरा के बारे में और गुरु जी के बारे में, उनकी बातों में क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मीडिया में तो जी आज के टाइम में जो कुछ टीवी पर देखते हैं लोग उसको सच मानते हैं, लेकिन जितना सच मीडिया ने दिखाया उतना सच है नहीं। सच कुछ भी नहीं है, ये गुरु जी को फंसाने वाली बातें दिखाई सब। जो मतलब डेरे सच्चे सौदा इतनी उन्नति कर जाता है, इतनी मानवता की भलाई का काम करता है, इसको बदनाम करने के लिए ऐसा सब करा मीडिया ने। आपका अपने गुरु पर कितना विश्वास है? हमारे गुरु पर इतना विश्वास है जी, देखो जो गुरु जी ने बेशाओं को एक इलाज करा के उनको अच्छा लड़की बनाया, अच्छा समाज में नाम दिया, उनका इलाज करा के उनकी अच्छी अच्छी शादी कराई, तो वे गुरु ऐसा काम क्यों करेंगे? अगर जो बेशाओं को अपनी बेटी बना के शादी करते हैं, उनको फिर भी दहेज भी देते हैं साथ में जितना उनसे बनता है, और समाज में फिर भी उनको नाम दिया एक, तो हमारे गुरु ऐसा नाम काम कभी नहीं कर सकते जो मीडिया ने उनको दिखाया, उनको बदनाम किया। आपके आपके गुरु जी ने किस तरह की शिक्षा दी है? शिक्षा तो इतनी ही दी जी कि हमारे गुरु जी के नाम में इतनी ताकत है कि अगर जो नाम ले ले तो आदमी कलेश रोग घर के कलेश कट जाते हैं। दारू पीना छुड़ाया, मांस अंडे से बचाया, बुरे कामों से बचाया, ये काम थोड़े नहीं जो समाज में रहकर हम कभी इससे नहीं मुक्त हो पाते थे, जो गुरु जी ने मुक्त करवाया। डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियाँ कितनी सेफ है? बहन बेटी जी इतनी सेफ है कि हम कभी कभी जब बस लाते हैं, क्या हम ट्रक लाते हैं, जब भी सत्संग पाते हैं तो हम बहनों को एक साइड में बैठाते हैं, भाई एक साइड में बैठते हैं। बहनें अगर जो भजन लगाएंगी तो भाई नहीं बोलते उनके बीच में, अगर भाई बोलते हैं तो बहनें नहीं बोलती भजन, साथ में वे अलग अलग कोऑपरेट करती हैं, अलग अलग ही रहते हैं, अलग अलग खाना पीना लंगर पानी सब बहनें एडजस्ट करती हैं, भाइयों के भाई एडजस्ट करते हैं। अब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु जी के बारे में और बाबा जी के बारे में? लोगों को तो यही संदेश है जी कि हर आदमी खुद मुख्तियार है, सोचने समझने की शक्ति है। अगर जो देखा जाए तो बहन बेटी तो अपने एक माध्यम से पहले से ही अंतकाल से लगाया कि डेरे पर आके गुरु जी बहने माता बहने सेव हैं, लेकिन समाज में देखा जाए तो कहीं भी अच्छी तीर्थ स्थानों पर चला जाए तो निगाहों के द्वारा वहाँ भी आदमी गंदे काम करता है, जाते हैं कहीं तो वहाँ भी बहुत बुरे बुरे काम कर जाता है, लेकिन पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ डेरे में माता बहनों के लिए कोई भी ऐसे निगाह भर को कोई गलत नहीं देखता है। ये है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई जो सुनी है आपने लोगों की जबानी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ।